सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनुपम। आप अगर वीडियो क्रिएटर है तो इंट्रो बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके वीडियो के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेल आइकन वाला इंट्रो कैसे बनाते हैं हम। तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बस लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो चलिए आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं आपको फोन पे और दिखाते हैं कैसे बनता है इंट्रो। एक एक स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा जो हम बताएंगे। जो ऐप के बारे में उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस लिंक से आप जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप भी एक बहुत ही अच्छा इंट्रो बना सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना काइन मास्टर खोलेंगे और प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 16:9 के फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जाना है मीडिया में और मीडिया में जाके कोई सा भी अच्छा सा बैकग्राउंड सुंदर सा आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम ये सिलेक्ट कर लिए और इसको स्ट्रेच करके आपको बढ़ा देना है जितना देर का आपको इंट्रो चाहिए, ठीक है। तो हम 10 सेकंड का इंट्रो चाहते हैं, 9 सेकंड का, 10 सेकंड का आप बढ़ा देंगे जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर से स्टार्ट पे ले जाएंगे उसको स्लाइड करके। इसके बाद आप लेयर पे जाके मीडिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको एक मोबाइल का फ्री PNG इमेज चाहिए होगा, फ्रेम का, मोबाइल फ्रेम का। उसको आप गूगल से डाउनलोड कर लेंगे जहाँ से कॉपीराइट नहीं आता हो, कॉपीराइट फ्री इमेज से डाउनलोड करके आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे उसको, ठीक है। और वीडियो को गौर से देखिए, इसको पूरा स्ट्रेच करके पूरा फिट कर देंगे हम अपने फ्रेम में। फिट करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो नीचे में फ्रेम का जो ऑप्शन है उसको स्ट्रेच करके पूरे लास्ट तक जितना देर का इंट्रो है उतना देर तक स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद वापस से लेयर में जाएंगे हम, लेयर में जाके मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो आपके चैनल का स्क्रीनशॉट है उसको आप ले लेंगे, ठीक है। आप चैनल के स्क्रीनशॉट को लेके आप इसको पूरा स्ट्रेच कर देंगे और डिलीट के नीचे 3 डॉट है, ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद सेंड बैकवर्ड में क्लिक कर देंगे। आप सेंड बैकवर्ड में क्लिक करेंगे, इससे होगा ये कि आपका जो स्क्रीनशॉट है वो मोबाइल के आइकन के पीछे, मोबाइल फ्रेम के पीछे चला जाएगा, ठीक है। मोबाइल फ्रेम के पीछे जाने के बाद इसको आप पूरा बारीकी से अपना सेट कर लेंगे, ठीक है। पूरा ध्यान से देखिए, ज़्यादा पेचीदा वर्क नहीं है, आप एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपको सारा कुछ मालूम चल जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे से फिट कर देंगे उस मोबाइल फ्रेम में, जो कि लगे कि हाँ मोबाइल ही चल रहा है उसमें, ठीक है। इसके बाद आप नीचे में जाएंगे और उसको स्ट्रेच करके पूरा जितना देर का इंट्रो है वहाँ तक स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कर लेंगे अपने इस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको स्ट्रेच कर देते थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद अपने वीडियो को एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, सॉरी, एक्सपोर्ट कर देंगे। वापस से आपको काइन मास्टर को खोलना है, उस पर एड प्रोजेक्ट पर 16:9 के रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको मीडिया में जाके जो पीछे एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो को आपको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है इसमें काइन मास्टर में, ठीक है। तो हम ये वीडियो, हमारा जो पहला वीडियो है उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं हम काइन मास्टर में, पीछे जो एक्सपोर्ट किए थे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेयर लगाना है, लेयर में जाके मीडिया पे टैप करेंगे। इसके बाद आपको सब्सक्राइब का एक PNG आइकन डाउनलोड कराना है कॉपीराइट फ्री इमेजेस में से गूगल पे जाके, ठीक है। तो मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हम और इसको छोटा करके सब्सक्राइब के जगह पे लगा देंगे। और आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से हम सब्सक्राइब का बटन लगा रहे हैं, नीचे में लेयर में, ठीक है। थोड़ा देर थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद से हम सब्सक्राइब का ऑप्शन बटन लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही लगाना है। इसके बाद आप करेंगे कि फिर से स्टार्ट कर लेंगे वीडियो को इधर स्ट्रेच करके। इसके बाद आप मीडिया पर जाके, लेयर पर जाके आप मीडिया में जाना है। इसके बाद आपको बेल आइकन को भी, PNG आइकन को डाउनलोड कर लेना है गूगल से। आप इसको बेल आइकन को भी डाउनलोड करने के बाद आप सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन लगा देंगे, ठीक है। बेल आइकन लगाएंगे, इसको पूरा अच्छे से छोटा करके जहाँ पे अच्छा लगे, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन वहाँ पे आपको लगा देना है बेल आइकन को, ठीक है। बेल आइकन लगाने के बाद आपको क्या करना है कि बेल आइकन का जो लेयर है उसको स्ट्रेच करके सबसे लास्ट तक कर देना है, ठीक है, पहले बेल आइकन के लेयर को, ठीक। और इसके बाद आपको क्या करना है कि बेल आइकन पर टैप करके आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है। इसके बाद सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे आप, देखिए आपको चला के थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं हम। इसके बाद आपको क्या करना है कि बेल आइकन को डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है, या फिर आप दूसरा बेल आइकन लगा लीजिए उसी सेम बेल आइकन को,
सेम बेल आइकन को फिर से इंपोर्ट कर लीजिए आप अपने गैलरी से या फिर डुप्लीकेट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि उसी जगह पे जहाँ पे आपका पहले से बेल आइकन है उसी जगह पे आपको बेल आइकन को लगाना है। तो देखिए हम डुप्लीकेट कर लिए हैं, तो यहाँ से इस बेल आइकन को क्या करेंगे कि सब्सक्राइब जब टैप होगा सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब का बटन बाहर की तरफ निकलेगा। इसके बाद बेल आइकन बाहर की तरफ निकलेगा, बेल आइकन टैप होगा फिर बेल आइकन बाहर की तरफ निकलेगा। तो सब्सक्राइब के थोड़ा सा टाइम इंटरवल बाद से हम दूसरा जो बड़ा वाला बेल आइकन है उसको लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसको थोड़ा सा टाइम बाद, सब्सक्राइब के थोड़ा सा टाइम बाद लगा दिया। इसके बाद क्या करना है आपको कि इसको एक एनिमेशन दे देना है बेल आइकन को। ठीक है, पहले सब्सक्राइब को एक एनिमेशन दे देते हैं, इन एनिमेशन दे देंगे पॉपअप वाला। ठीक है, इसके उस पर टैप करना है सब्सक्राइब पे, तो यहाँ पे आएगा इन एनिमेशन, तो इन एनिमेशन भी दे देंगे और बेल आइकन को भी इन एनिमेशन दे देंगे पॉपअप का। ठीक है, जो दूसरा वाला बेल आइकन है उसको, जो बड़ा वाला बेल आइकन है उसको पॉपअप का एनिमेशन देंगे, छोटे वाले को कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन एनिमेशन दे दिया और इसको हम ट्रिम कर देंगे कि कितने देर के बाद बेल आइकन पॉपअप होने के बाद बंद हो जाना चाहिए बेल आइकन। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से सेट करके उसको ट्रिम कर दिए। तो देखिए ऐसे सब्सक्राइब का आएगा टैप होने के बाद, फिंगर लगाएंगे सब्सक्राइब से पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो चला के देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सब्सक्राइब के पहले, अब सब्सक्राइब को आउट एनिमेशन भी दे देंगे। आउट एनिमेशन आपको क्या देना है, तो आप यहाँ पे स्केल, सॉरी आप इसको देखिए पहले फिंगर लगा लेते हैं, चलिए फिंगर लगा लेते हैं पहले। सब्सक्राइब को थोड़ा सा पहले से आप लेयर पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिंगर, तो यहाँ पे अपने से आ जाएगा आपके उसमें आइकन में जो इमोजी वाला आइकन होता है उसमें जाके आप फिंगर लिखेंगे तो फिंगर अपने आप आ जाएगा। और इसको फिंगर को थोड़ा सा पहले से लगाएंगे सब्सक्राइब को थोड़ा सा पहले से, और यहाँ पे जो पिछला जो पुराना वाला सब्सक्राइब है, जो अपने से लेयर नहीं लगाया, जो पुराना वाला सब्सक्राइब है वहाँ पे जाके आप फिंगर को लगा देंगे। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे वीडियो चला, फिंगर आया, अब फिंगर को क्या करेंगे कि इन एनिमेशन देंगे स्केल अप का, स्केल डाउन का। ठीक है, जिससे लगे कि टैप हो रहा है सब्सक्राइब पे, देखिए, और इसको घटा के कर लेंगे कि जैसे ही टैप होगा सब्सक्राइब आएगा फिंगर हट जाएगा। ठीक है, तो फिंगर को थोड़ा सा कम कर लेंगे, घटा लेंगे, लेफ्ट राइट साइड से थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक, देखिए जैसे कि वीडियो चला, अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे फिंगर कि देखिए टैप हुआ सब्सक्राइब आया, तो आप अभी सब्सक्राइब फिंगर को थोड़ा सा और छोटा करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको आउट एनिमेशन भी दे देंगे और अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर लेंगे कि कितना देर तक वो होना चाहिए, मतलब पॉप स्केल अप कितने देर में हो जाएगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं, थोड़ा सा टाइमिंग घटा दिए थे इसका। देखिए जैसे ऐसे टैप होगा इसके बाद सब्सक्राइब आएगा, तो यहाँ पे हमको करना होगा कि थोड़ा सा उसको जो फिंगर का जो लेयर है उसको कम कर देंगे क्योंकि सब्सक्राइब होने के बाद भी फिंगर रह जा रहा है, तो फिंगर को हम कम कर देंगे और बेल आइकन से पहले, पहले हम कम करेंगे बाद में, पहले बेल आइकन से पहले भी हम फिंगर लगा लेते हैं। तो हम फिंगर टैप करके इमोजी, फिंगर का इमोजी सेलेक्ट कर लेंगे और पुराने मतलब जो छोटा वाला बेल आइकन है उससे पहले हम फिंगर लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके बाद फिंगर लगाएंगे। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना है एकदम बिल्कुल फिंगर को, और सेम इन एंड आउट एनिमेशन दे देना है आपको। इन एनिमेशन में आपको देना है, इन एनिमेशन में आपको देना है स्केल डाउन का एनिमेशन और आउट में आपको देना है स्केल अप का एनिमेशन फिंगर को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्केल डाउन का एनिमेशन दे देंगे जिससे टैप होने के बाद लगे। और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसका टाइमिंग पता नहीं चल पा रहा है, बहुत जल्दी हो गया है। तो यहाँ पे फुल एडजस्ट कर देंगे अपने इस फिंगर वाले को, और इस फिंगर को सब्सक्राइब पे जो फिंगर आ रहा है उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, मतलब लेयर को थोड़ा सा और कम करेंगे ताकि टैप होने के बाद सब्सक्राइब और फिंगर हट जाए। ठीक है, आपको यही गौर करना है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और देखिए दोनों फिंगर को आपको इन इन एंड आउट एनिमेशन देना है, इन एनिमेशन में देना है स्केल डाउन का
और आउट एनिमेशन में देना है स्केल अप का, ठीक है, जैसे लगे कि इन एनिमेशन में लगे कि फिंगर टैप कर रहा है और हट जा रहा है, इसके बाद सब्सक्राइब आ रहा है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे बता रहे हैं बस गौर कीजिएगा, पेचीदा वर्क नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आपको इस फिंगर को भी, मतलब जो लेयर में जाएंगे नीचे वीडियो के जो है एडिट हो रहा है उसके लेयर में जाएगा और इस फिंगर को भी छोटा कर देगा कि बेल आइकन पे टैप हो और बेल आइकन जैसे ही बड़ा होने लगे कि आपका फिंगर गायब हो जाए बेल आइकन से, ठीक है। तो आप देखिए सब्सक्राइब टैप हुआ, सब्सक्राइब आया, और बेल टैप हुआ, बेल आया, ठीक। इसके बाद अब आपको दिखाएंगे कि कैसे आप उसमें जैसे ही टैप होगा उसमें म्यूजिक लगेगा और बेल पे टैप होगा वैसे ही बेल का रिंग आएगा टिन से, और सब्सक्राइब पे टैप होगा तो सब्सक्राइब का भी आवाज़ आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही थोड़ा सा फिंगर पे ले जाइए यहाँ पे लेयर पे जाके, इसके बाद आपको क्या करना है कि आप सॉन्ग पे चले जाइए, ठीक है, और SFX एसेट, इसमें डोर स्लैम करके एक है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा पहले से, या फिर आप अपने उसमें भी कॉपीराइट फ्री सॉन्ग में से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड करके उस मतलब टोन को लगा दीजिए। देखिए जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ पे म्यूजिक पे जाके, और यहाँ पे बेल के आइकन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब बेल को भी सिलेक्ट कर लेंगे कि जैसे ही बेल पे टैप हो वैसे ही टिन से आवाज़ आए, और सब्सक्राइब पर टैप होने के बाद सब्सक्राइब का कुछ आवाज़ आए, ठीक है। तो देखिए अब हम आपको वीडियो चला के दिखा दे रहे हैं, फिंगर टैप हुआ सब्सक्राइब आया, फिंगर टैप हुआ बेल आया, ठीक है। तो अब जो काम है वो हमारा है कि इस फिंगर को हम आउट एनिमेशन दे लेते हैं अपना स्केल अप का, ठीक है, इसको बड़ा कर देंगे, अगर स्पीड आपका कुछ ज़्यादा ही हो गया तो इसको सबसे पहले बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद आप आउट एनिमेशन में यहाँ पे टाइमिंग सेट कर लेंगे, ठीक है, 0.5 से कुछ ज़्यादा हम कर रख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप इसको छोटा कर देंगे, अब अपने मिला के इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। मिला के छोटा करने के बाद देखिए अब इसको भी स्केल अप का दूसरे वाले फिंगर को जो सब्सक्राइब के पास है उसको भी आप दे लेंगे। तो चलिए आपको हम अब अपना वीडियो चला के दिखा देते हैं, और सब्सक्राइब को भी स्केल अप का आप आउट एनिमेशन दे सकते हैं, और बेल को भी स्केल अप का आउट एनिमेशन दे दीजिए, ठीक है। टैप होने के बाद ऐसे झटके के साथ फटे आपका ऊपर की तरफ, देखिए देखिए अच्छा लग रहा है। तो आपको इसको इस वीडियो को भी क्या करना है कि एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है, दोबारा आपको इस वीडियो को भी एक्सपोर्ट करना है अपने गैलरी में, तो हम चलिए एक्सपोर्ट कर लेते हैं। वापस से आपको काइन मास्टर खोल के प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है 16:9 के रेशियो में। इसके बाद आपको मीडिया पे जाके टाइप करना है और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे कोई सा भी एक बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को स्ट्रेच करके आपको बढ़ा देना है जितना देर का आपका इंट्रो बन रहा है, जितना देर का आप वीडियो पिछला बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद आप लेयर पे जाके उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रेच करके पूरा मतलब जितना पूरा एडजस्ट कर लेंगे जितना बड़ा स्क्रीन है आपका, ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद आप इसको एक एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे सब्सक्राइब के बटन पर टैप हो तो बाहर की तरफ आपका आना चाहिए सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको, चलिए अभी दिखाते हैं। इसके बाद आपको करना है कि आप पूरा लास्ट तक कर देंगे इसको, मतलब स्टार्टिंग में ले जाएंगे और आप चाबी के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए चाबी के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे प्लस राउंड पे प्लस का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, हल्का सा आगे बढ़ाएंगे प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जितना देर का आपको चाहिए कि जो निकल के आए आपका जैसे हमारे इंट्रो में है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको फिर से प्लस पे टैप करेंगे, आगे बढ़ा के थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको अपने हिसाब से प्लस पे टैप कर लेंगे, और इसके बाद आपको करना है कि स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ, ऐसे स्ट्रेच होना चाहिए आपका, ठीक है। सारा कुछ बेल वेल के आइकन को पॉपअप हो जाने दीजिएगा, इसके बाद मतलब वहाँ पे जाके स्ट्रेच करना है, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए जैसे अभी वीडियो चला के देखते हैं आया, सारा वर्क हो जाने दीजिएगा, इसके बाद आप प्लस के आइकन पर दोबारा टैप कीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अब फिर से हम चाबी वाले ऑप्शन पे जाएंगे
वहीं पे लगा के जहाँ पे आपका स्ट्रेच हो चुका है अभी तक, चाबी वाले ऑप्शन पे जाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे एकदम हल्का सा, कि टैप होने के बाद पीछे की तरफ जाए हमारा वीडियो, करके हल्का सा आगे बढ़ा के उसको फिर से प्लस के आइकन पर टैप कर देगा, और फिर आगे बढ़ाएंगे और फिर से प्लस के आइकन पे चाबी वाले ऑप्शन पे जाके, ये जो राउंड पे जो प्लस है उस पे जाके अब टैप करेंगे कि अब हमारा वीडियो पूरा पीछे की तरफ होकर रुक जाए, ठीक है। एक एनिमेशन दे देते हैं इसको, पूरा पीछे की तरफ आप जूम आउट करेंगे, इसको आउट करके पूरा फिट कर देंगे, जैसे जितना बड़ा वीडियो था आपका, मतलब स्क्रीन था, इसको पूरा उसी तरह फिट कर देंगे और टिक मार्क पे टैप कर देंगे। अब दिखाते हैं आपको चला के हम अपना वीडियो, कि देखिए कैसे होता है। ये वीडियो आया, टैप हुआ, सब्सक्राइब का बटन आया, टैप हुआ, बेल का बटन आया, ठीक है, और वीडियो फिर से वापस से बैक हो गया। अब इसमें आप चाहेंगे तो अपना वॉइस भी दे सकते हैं, यहाँ पे वॉइस के बटन पे जाएंगे, टैप करेंगे और स्टार्ट कर देंगे और देंगे कि सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए घंटे के इस आइकन को, मतलब आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तो आपको इस तरह से आप बना सकते हैं।